ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश अयोध्या की वार्षिक बैठक प्रेस क्लब सिविल लाइन के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें सदस्यता नवीनीकरण के साथ 2024 की जिला कार्यकारिणी का गठन मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुमार तिवारी राजन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का संचालन सुनील कुमार सिंह ने किया। देवपक्ष वर्मा को सर्वसम्मत से एक बार पुनः जिला अध्यक्ष व महामंत्री अवध राम यादव चुने गए। भैया भाई तो विजय कुमार यादव कुमार पांडे देखो भैया कम ना हो जो भाई की अब हम अपने तिवारी जी को भी इसे खड़ा तिवारी दोस्तों, मैं सारे लोगों से पत्रकार साथियों से खाली एक अपील करना चाहता हूं कि वे पत्रकार बने रहें, पत्रकारिता का जो धर्म है उसका निर्वहन करें। आम आदमी जो गरीब है, दबा है, कुचला है, किसान है, मजदूर है, इसकी लड़ाई लड़ने की बात करें, इसकी समस्याओं को उजागर करें। मोदी मीडिया और मोदी है मीडिया, ये कोई अर्थ नहीं रह जाए। आप अपने जो हमारे दायित्व हैं उनके लिए लड़ें, उसके लिए हैं। आप लोगों से फिर एक अपील करता हूं कि सिर्फ पत्रकार बने रहे आप। वेलकम सर, वेलकम। मीडिया के उसमें न रहें, कभी हमारी आपकी पहचान बनी रहेगी, कभी हमारी आपकी लोग जो है हमको पत्रकार मानेंगे और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। ठीक सर। मैं ये सुन करके कि गोदी मीडिया है, ये कौन सा मीडिया, इसका कोई कहीं है नहीं जिक्र हमारे पत्रकार जिस संगठन के हों। केवल एक ही अपील करना चाहता हूँ कि वह पत्रकार बने रहे, पत्रकारिता का धर्म जो है उसका निर्वहन करें, उसका पालन, इसी में हमारी आपकी पहचान। क्लब सिविल लाइन अयोध्या जनपद अयोध्या की वार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें 2024 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, तहसील अध्यक्षों का चयन किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने पत्रकारों का अपनी संख्या के बल पर सबसे बड़ा संगठन है। संगठन के संस्थापक बालेश्वर लाल जी ने जो ग्रामीण पत्रकार रूपी वटवृक्ष लगाया था, आज उसकी टहनियां प्रदेश के प्रत्येक जनपद में और गांव गलियारों से होते हुए आगे बढ़ रही है, और यह बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पत्रकारों के सम्मेलन हो रहे हैं, पत्रकारों की आवाज़ बुलंद हो रही है, और पत्रकार अस्थाई समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक मेंबर रहता है। ऐसा कोई संगठन नहीं है कि पत्रकार अस्थाई समन्वय समिति में सदस्य रहता हो, केवल ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का ही सदस्य रहता है। और आज हमारी सरकार गांव के विकास के लिए जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, उसमें ग्रामीण पत्रकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत सरकार के सूचना मंत्रालय द्वारा कलेक्ट्रेट में एक बृहद कार्यक्रम कराया गया, जिसमें ग्रामीण पत्रकारों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। सभी पत्रकारों के संगठन के लोग थे, लेकिन ग्रामीण पत्रकारों की अपनी वहाँ एक हैसियत अलग से दिखाई पड़ी है। इसलिए हम अपने ग्रामीण पत्रकार साथियों का 2024 में एक बार पुनः सादर वंदन अभिनंदन करते हैं, और आशा करते हैं कि इसी तरह से ग्रामीण पत्रकार रूपी रीढ़ को रहेंगे।